302 किलोमीटर, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, 22 महीने देश में सबसे कम समय में निर्मित, 13 बड़े पुल, 8 लेन, 750 मीटर लंबा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पुल, 54 छोटे पुल, 8 इंटरचेंज, 6 लेन 110 मीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम गति, 4 घंटे लखनऊ से आगरा, 6 घंटे लखनऊ से दिल्ली, 15,000 करोड़ रुपए की लागत, पूर्णतया प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित, भारी बचत ईंधन समय और धन की, खुशहाली किसान दस्तकार व्यापार और प्रदेश की। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। आगरा के एतमादपुर गांव से लखनऊ के सरोसा भरोसा गांव तक 10 जिलों से होकर गुजरने वाला लगभग 302 किलोमीटर लंबा आर्थिक खुशहाली का ये एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का सच हुआ सपना है। इस स्वप्निल परियोजना की शुरुआत आज से ठीक 22 महीने पहले हुई, जब 23 नवंबर 2014 के दिन माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने इसका शिलान्यास किया और उनसे ये वादा किया गया कि ये एक्सप्रेसवे 30 महीने की बजाय सिर्फ 22 महीने में पूरा होगा। सफर कांटों भरा था, लेकिन हौसला बुलंद था। माननीय मुख्यमंत्री ने परियोजना को तय समय में पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन श्री नवनीत सहगल को सौंपी। उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने इस परियोजना को योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया। पहले तो मुश्किलें आई कि जो नक्शे पे हमें जो प्लान दिया गया था सड़क का, उसको जब हम लोगों ने ज़मीन पे उतारा तो जो ज़मीन खरीदनी थी वो नक्शे के हिसाब से इधर उधर होने लगी। तो फिर हम लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए स्पेशल टीम लगाई कि आप पहले ज़मीन पे इसको नापिए। तो सबसे पहले पूरी 302 किलोमीटर की सड़क को हमने ज़मीन पे नापा, हमने उस पर पिलर्स लगवाए। तो जब पिलर्स लगवाए तो क्लियर हुआ कि कौन सी ज़मीन छूटी हुई है, कौन सी ज़मीन एक्सेस आ गई है। उसके बाद फिर हम लोगों ने काश्तकारों से बात करनी शुरू की, और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने इस संबंध में पूरा अपना सपोर्ट दिया, निर्देशन दिया, और काश्तकारों ने, जितने किसान थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया। इस एक्सप्रेसवे की हर प्रक्रिया अपने आप में एक मिसाल बन गई। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जरूरी भूमि का किसानों से अधिग्रहण करना भी एक बड़ी चुनौती थी। 10 जिले, 232 गांव, 30,456 किसानों की 8,500 एकड़ भूमि अधिग्रहित करना मामूली काम नहीं था। किसानों को ये जब यकीन हो गया कि उनको उनकी ज़मीन का पूरा मुआवजा मिल रहा है, समय पे मिल रहा है, क्योंकि इसमें ये व्यवस्था रखी गई थी कि जैसे रजिस्ट्री हो रही थी उसी तरह से उसी समय उनके खाते में पैसा भी ट्रांसफर हो रहा था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे परियोजना को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। शुरुआत में योजना थी कि इस एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाए, लेकिन निवेशकों के सामने न आने से सरकार ने ये महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड परियोजना अपने बूते पर करने की ठानी, और लगभग 15,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये माननीय मुख्यमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस परियोजना को समय से पूरा करने के लिए इसको 5 भागों में बांटकर
प्रत्येक को पूरा करने की जिम्मेदारी अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सौंपी गई। आगरा फिरोजाबाद खंड का काम पीएनसी इंफ्राटेक के हिस्से में आया। फिरोजाबाद इटावा खंड की जिम्मेदारी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपी गई। इटावा कन्नौज खंड पूरा करना था नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को। कन्नौज उन्नाव खंड निर्मित करने की जिम्मेदारी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को ही दी गई, जबकि उन्नाव लखनऊ का खंड एलएनटी के हिस्से में आया। इस तरह जिम्मेदारियां बढ़ गईं और परियोजना के समय से पूरा होने की राह खुल गई। अकॉर्डिंग टू बीआईएस स्पेसिफिकेशन एंड आईआरसी गाइडलाइन का जो स्पेसिफिकेशन है, उससे हमने सभी मटेरियल को टेस्ट करके ही इस प्रोजेक्ट में यूज किया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अपने डिजाइन के नजरिए से अंतरराष्ट्रीय मापदंडों पर खरा उतरता है। इसके निर्माण में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और सुविधाओं के मामले में भी ये विश्व स्तरीय है। एक तरफ 6 लेन वाली बेहतरीन सड़कें हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर 8 लेन भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ नदी पर बना सबसे लंबा 8 लेन वाला पुल, जो कि 13 बड़े पुलों के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, जबकि इसके अलावा 54 छोटे पुल और भी हैं। इतना ही नहीं, इसमें 2 फ्लाईओवर, 8 इंटरचेंज, 4 रेलवे ओवरहेड ब्रिज, 75 से अधिक अंडरपास, सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट भी है। इसके अलावा सफर को आरामदेह बनाने वाली सुविधाओं की दृष्टि से भी ये दूसरों के लिए नजीर बनने लायक है, जिसमें शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा, रेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, सुरक्षा पेट्रोलिंग, एम्बुलेंस और सीसीटीवी। आने वाले समय में ये एक्सप्रेसवे अपने अनूठे विकास मॉडल से दूसरे राज्यों को भी राह दिखाएगा, राज्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों को आकर्षित करेगा, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने से राज्य का विकास सुनिश्चित होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लखनऊ की नवाबी नजाकत और आगरा की राजसी शानो शौकत को तो जोड़ेगा ही, साथ ही उन 10 जिलों के लिए आर्थिक संजीवनी का काम करेगा जहां से ये होकर गुजरेगा। आगरा फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों के पिछड़े और विकास से अनछुए इलाके तरक्की की एक नई सुबह देखेंगे। 302 किलोमीटर का सफर सिर्फ 4 घंटे में पूरा होने से प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी के बीच सिर्फ 6 घंटों का फासला रह जाएगा। दूर स्थित बाजारों तक तेज गति से पहुंच, कृषि पदार्थों को होने वाले नुकसान में कमी और बिचौलियों से मुक्ति के द्वारा छोटे किसानों का सशक्तिकरण तय है। अब दस्तकारों और छोटे व्यापारियों की पहुंच भी सीधे राजधानी और बड़े बाजारों तक तो होगी, साथ ही पर्यटन विकास का लाभ सीधे इलाके के हस्तशिल्प उद्योग, छोटे व्यापारियों और युवाओं को मिलने वाला है। इसी तरह फिरोजाबाद की चूड़ियां, खुर्जा की चीनी मिट्टी की दस्तकारी, कानपुर उन्नाव का चमड़ा उद्योग, लखनऊ की चिकनकारी और कई सारे दस्तकारों के लिए अब अवसरों के नए बाजार खुले हैं। ये पूरा एरिया यहाँ से कन्नौज और कन्नौज से आगे जो है वो आलू का बहुत बड़ा एरिया है। ये यहाँ दूध का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। फिर कन्नौज में जो है वो परफ्यूम है, फिरोजाबाद में चूड़ी है। जो लोकल छोटे उद्योग हैं उनको एक तरह से ये एक मार्केट का रास्ता मिला है। अगर उत्तर प्रदेश उम्मीदों का प्रदेश है तो निसंदेह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उम्मीदों का एक्सप्रेसवे है। ये माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच है कि उन्होंने देश की सुरक्षा के बारे में भी सोचा और एक्सप्रेसवे के डिजाइन में इस तरह के बदलाव किए गए कि आवश्यकता पड़ने पर यहाँ वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। ये प्रदेश के लिए बेहद गौरव की बात है। ये एक्सप्रेसवे एक ऐसे उभरते हुए उत्तर प्रदेश का प्रतीक है जो आधुनिक है, गतिशील है, प्रगतिशील है। प्रदेश का प्रगति पथ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे।